तो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल दोस्तों। और आज बात करने वाले हैं एएलपी वर्सेस टेक्नीशियन, मतलब कि एएलपी ज्यादा बेटर है या टेक्नीशियन ज्यादा बेटर है इस बारे में। और ये वाला जो बात है, ये बहुत सारे लोग कमेंट किए कि इसके बारे में बता दो, इसके बारे में बता दो। तो ये जो कन्फ्यूजन है वो खासकर मेरे आईटीआई भाई लोगों के लिए है, जो आईटीआई किए हुए हैं, डिप्लोमा वालों के लिए और बीटेक वालों के लिए टेक्नीशियन का ऑप्शन नहीं है, और जो लोग पीसीएम वाले हैं उनके लिए एएलपी का ऑप्शन नहीं है। तो ये वीडियो स्पेशली आईटीआई वालों के लिए होने वाला है। हाँ, और जो लोग बीटेक डिप्लोमा वाले हैं वो भी देख ही लो, पता चले कि हाँ एएलपी बेटर है या असिस्टेंट बेटर है। तो आज इसी बारे में बात होने वाला है। तो भाई तुम लोगों को पता है, जैसे कि मैं असिस्टेंट लोको पायलट के पोस्ट पे हूँ, एएलपी हूँ, और मेरे बहुत सारे दोस्त लोग हैं जो कि टेक्नीशियन है, तो मेरा बात हो चुका है। तो उस हिसाब से कंपेयर करना है तो तीन चार बेसिस पे कंपेयर करना बेटर रहेगा, और वही लोग जानना भी चाहते हैं। सबसे पहला बात सैलरी ऑफ कोर्स, दूसरा बात वर्किंग टाइम टेबल, कि टाइम टेबल क्या रहता है, कितना काम करना पड़ता है, कब कब जाना पड़ता है, उसके बारे में बात करेंगे। और काम, मतलब क्या काम है, किसका टफ काम है, किसका इजी काम है, उस बारे में। टेक्नीशियन में बहुत सारे पोस्ट हैं, तो जो मेन मेन पोस्ट है टेक्नीशियन का उसके हिसाब से बात करेंगे। और एक बात कि हाँ, प्रमोशन कैसे होता है, किस हिसाब से प्रमोशन होता है, और फ्यूचर किस में ज़्यादा बेटर है, तो उसके हिसाब से आगे बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कंपैरिजन। तो भाई साहब, सबसे पहला जो बात है वो स्टार्ट करते हैं इससे कि टाइम टेबल कैसे रहता है। तो सबसे पहले असिस्टेंट लोको पायलट, मतलब एएलपी ट्रेन ड्राइवर्स का जो काम है वो है ट्रेन चलाना, और खासकर गुड्स वालों के लिए जो है कि टाइम टेबल कोई फिक्स नहीं रहता, कभी भी कॉल आता है जाना पड़ता है, ड्यूटी आवर्स का कोई फिक्स नहीं रहता। ऐसे तो रूल है कि 8 घंटे काम करना है, लेकिन आप डेस्टिनेशन तक पहुंचे नहीं पहुंचे, ऐसा हम लोग का होता है तो कभी 10 घंटे हो जाता है, कभी 6 घंटे में भी काम खत्म हो जाता है, कभी 12 घंटे हो जाता है। और उसके बाद फिर आप रनिंग रूम जाओगे, वहां पे रुकोगे, रेस्ट वगैरह करोगे, 8 घंटे वहां पे रेस्ट रहता है, फिर उसके बाद उधर से ट्रेन लेके आओगे। तो टाइम टेबल इसका कोई फिक्स नहीं है कि कितना टाइम है, कब जाना है, कितने घंटे का ड्यूटी होगा, कभी 8 घंटे से कम का होता है, कभी 8 घंटे से ज्यादा का होता है। तो ये था कि असिस्टेंट का वर्किंग टाइम टेबल ऐसा है। और बात करें टेक्नीशियन का, तो टेक्नीशियन से अगर कंपेयर करें तो टेक्नीशियन का शिफ्ट वाइज ड्यूटी है, जैसे 6 से 2, 2 से 10 और 10 से 6, ऐसा टेक्नीशियन का शिफ्ट वाइज ड्यूटी रहता है। और कुछ कुछ डिपार्टमेंट है, जैसे सिग्नलिंग वाले हैं तो उनको भी कभी भी कॉल आता है, लेकिन हाँ ये रहता है कि 8 घंटे ऑन ड्यूटी हो, 16 घंटे का रेस्ट है आपका। ट्रैक मशीन में जो टेक्नीशियन लोग रहते हैं तो उन लोगों का भी ऐसा है कि रूल तो ऐसा है कि 21 दिन बाहर रहना है, उस टाइप का है रूल वहां पे, 21 दिन बाहर रहना है, 9 दिन आपको घर पे रहना है, लेकिन ऑन ड्यूटी 8 घंटे ही रहना है। तो बेसिकली टेक्नीशियन का काम ऐसा है कि 8 घंटे आप ऑन ड्यूटी हो और बाकी टाइम आप 16 घंटे रेस्ट कर रहे हो, और ड्राइवर में कभी भी जाना है और 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे आपको लाइन पे रहना पड़ सकता है। तो हाँ, टाइम टेबल के मामले में टेक्नीशियन बेटर है। और एक यही चीज ऐसा है जिसमें टेक्नीशियन बेटर है और किसी मामले में बेटर नहीं है, जैसे कि काम। तो काम पे स्टार्ट करते हैं कि काम किसका ज्यादा है, क्या है, कैसे है। तो देखो, ट्रेन ड्राइवर्स का काम, मतलब असिस्टेंट लोको पायलट का काम क्या है, जाना है, मेनली तो ट्रेन चलाना ही काम है, लेकिन उसके अलावा जाना है, आपको 10 मिनट 15 मिनट में लोको चेक करना है कि हाँ सब चीज बेटर है, पानी तेल वगैरह ये सब चेक करना है, उसके बाद सीट पे बैठ जाना है। जो ड्राइवर है वो लोग थोड़ा सा घूम लेते हैं ट्रेन वगैरह, जीडीआर अगर करना है तो वो थोड़ा सा, मतलब जितना ट्रेन है वहां घूमना है फिर आ जाना है, इतना ही काम है, उसके बाद बस सीट पे बैठ जाना है, चलाते रहना है, चलाते रहना है, ये काम है। तो टेक्नीशियंस का क्या क्या काम है, अब इस पे आते हैं। तो टेक्नीशियन का काम है, जैसे लोको में कुछ खराबी हो गया तो आके उसको मेंटेन करेंगे, वैगन पीछे जो गाड़ी है, मालगाड़ी हो तो हैंड ब्रेक वगैरह, कहीं रिलीजिंग नहीं हो रहा है तो वो जाके चेक करना, मेंटेन करना, कोई पैसेंजर गाड़ी है उसमें एसी खराब हो गया, फैन खराब हो गया, इलेक्ट्रिक प्रॉब्लम आ गया, उसको चेक करना। सिग्नलिंग डिपार्टमेंट में जाके सिग्नल कहीं खराब हो तो वहां जाओ, उसको मेंटेन करो, धूप वगैरह लगता है वो अलग बात है। और जो वर्कशॉप में है, लोहे वोहे के साथ काम है, मशीन का मेंटेनेंस, बड़े बड़े मशीनों का मेंटेनेंस करना पड़ता है, मशीन चलाना भी पड़ता है। तो टेक्नीशियन का काम मुझे एज कम्पेयर टू टफ लगता है, क्योंकि ट्रेन ड्राइवर्स का काम ओनली चलाना है। हाँ, टाइम टेबल के मामले में टेक्नीशियन बेटर है, काम के मामले में तो कुछ है ही नहीं ना, कंपेयर कर सकते हो कि कितना मेंटेनेंस इधर है और इधर ओनली बैठ जाओ, चलाते रहो चलाते रहो। तो ये था काम का कंपैरिजन। और बात करते हैं अब सैलरी, जो कि हर कोई जानना चाहता है, सैलरी किसका ज्यादा है,
क्या क्या मिलता है कि इसमें क्या क्या नहीं मिलता है, तो उस पे आते हैं अभी। अब सुनो असिस्टेंट लोको पायलट का कि क्या क्या मतलब मिलता है मुझे, मैं असिस्टेंट लोको पायलट तो क्या क्या मिलता है। पहले बेसिक डीए, एचआरए, रनिंग और ओवरटाइम, इतना कुछ ऐड होता है। मतलब दो चीज एक्स्ट्रा है, रनिंग और ओवरटाइम। टेक्नीशियन वालों को ओवरटाइम तो ना के बराबर नहीं मिलता है, और टीए जो रहता है वो डेली का 500 अगर दूसरी जगह काम करोगे। ड्राइवर्स में क्या है, रनिंग जितना तो किलोमीटर ट्रेन चलाओगे आप उतना किलोमीटर तो आपको मिलेगा, और 100 किलोमीटर पे लगभग 380 रुपये के आसपास मिलता है। तो जो रनिंग चार्ज है हम लोगों का, रनिंग चार्ज की वजह से लगभग सैलरी में 10 से 15 हज़ार का डिफरेंस आता है। जैसे हम, मैं जहाँ पे हूँ वहाँ पे बहुत कम काम है, मतलब कम ट्रेन चलता है, लेकिन जहाँ जहाँ पे ज़्यादा चलता है वहाँ पे एक बंदे का 1 महीने में 6-6 हज़ार, 7-7 हज़ार किलोमीटर बनता है। आप 1 हज़ार किलोमीटर का 4 हज़ार रुपये एवरेज पकड़ के जोड़ लो तो लगभग 10 से 15 से 20 हज़ार तक का भी डिफरेंस आ जाता है। और ओटी, ओटी में जैसे कि हम लोगों का 14 दिन में 104 घंटे से ज़्यादा काम कर लिए, तो जितना भी आवर्स होगा वो ओटी में काउंट होता है। तो अभी हमारे डिवीजन में ओटी बहुत कम बनता है, लेकिन सिकंदराबाद में, बेंगलुरु में मेरे दोस्त लोग हैं, वो लोग बोलते हैं कि हम लोग का ओटी बनता है और हर महीने मिलता भी है। तो ओटी से 10 हज़ार तक का डिफरेंस आता है। तो सैलरी डिफरेंस अगर जनरली ओटी ना भी बने तो कम से कम 10 से 15 हज़ार स्टार्टिंग में ही, अगर मैं ड्यूटी करना स्टार्ट कर दिया, टेक्नीशियन वाले ड्यूटी करना स्टार्ट कर दिए, तो स्टार्टिंग में ही 15 हज़ार तक का सैलरी डिफरेंस आता है, और आगे चल के ये डिफरेंस और ज़्यादा हो जाता है। तो अगर पैसा कमाना है, रात का नींद गंवाना है, तो ड्राइवर में आओ और सुकून से सोना है। शिफ्ट वाइज ड्यूटी करना है, जैसे कि मेरा 8 घंटे का ड्यूटी हो, मैं रूम पे वापस आऊँ, और टाइम फिक्स रहे सुबह 6 बजे से 2 बजे तक, 2 बजे से 10 बजे तक, ऐसा कुछ चाहते हो तो टेक्नीशियन में जाओ। हाँ, तो पैसा चाहिए तो एएलपी, सुकून चाहिए थोड़ा सा, और बहुत ज़्यादा नहीं, ऐसा कि मतलब उसमें बहुत ज़्यादा ही सुकून है, काम ही नहीं करना ऐसा भी नहीं है, काम तो करना ही है, तो टेक्नीशियन सिलेक्ट कर सकते हो। तो एक बात बहुत सारे लोग कमेंट करके पूछ रहे थे कि अगर मुझे जॉब के बाद पढ़ाई करना है, किसी आगे चीज़ का प्रिपरेशन करना है, तो एएलपी सिलेक्ट करना बेटर है या टेक्नीशियन? तो देखो, मैं एक बात बता दूं कि एएलपी में भी टाइम मिलता है, टेक्नीशियन में भी टाइम मिलता है, लेकिन टेक्नीशियन में क्या रहता है कि शिफ्ट वाइज ड्यूटी है, तो तुमको पता रहेगा कि हाँ मेरा नेक्स्ट शिफ्ट नाइट का है या डे का है, तो शांति से माइंड सेट करके पढ़ सकते हो। ड्राइवर में क्या है, कोई शिफ्ट नहीं है, कभी तुमको 16 घंटे पर भी बुलाया जा सकता है, कभी 24 घंटे, कभी 36 घंटे। हम लोग स्टार्टिंग में आए थे तो हम लोग को 48-48 घंटे का रेस्ट मिलता था। वहाँ पढ़ाई दोनों में हो सकता है, लेकिन एक माइंडसेट बना के जो पढ़ने वाला बात होता है ना कि हाँ चलो कल नाइट में जाना है तो आज दिन में पढ़ते हैं, या कल दिन में जाना है तो नाइट में पढ़ेंगे, वो टेक्नीशियन में हो सकता है। तो उस हिसाब से टेक्नीशियन सिलेक्ट करो, और अगर पैसे चाहिए तो समझ ही रहे, तो इस कंपेयर के हिसाब से तुम समझ सकते हो कि हाँ तुम्हारे लिए कौन सा बेटर है। मैं काम बता चुका हूँ, सैलरी बता चुका हूँ, टाइम टेबल बता चुका हूँ, और पढ़ाई करना है आगे उसके हिसाब से भी बता चुका हूँ। तो ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो कर ही सकते हो। ये नीचे अब व्हाइट बटन दिखता है, पहले लाल दिखता था। तो चलो ठीक है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वाले ब्लॉग में, तब तक के लिए अलविदा, सब्बा खैर, और अपना ध्यान रखना।